रिलायंस जियो और फेसबुक में जो डील हुई है उसमें बड़ी बात ये नहीं है कि फेसबुक के साथ कोई बड़ा कारोबार होगा। दरअसल बड़ा कारोबार न फेसबुक के साथ होगा न इंस्टाग्राम के साथ, ये होगा व्हाट्सएप के साथ। अभी फेसबुक यहां पर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाता है, जबकि बाजार पे जिनके हाथ में मोबाइल है उस पर करीबन उसका 90% का कब्जा है, लेकिन उसके पास कोई ट्रांजेक्शन का मॉडल नहीं है। रिलायंस जियो के पास मोबाइल के कारण, फोन के कारण एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, लेकिन वो लो वैल्यू वाला है और 40% का मार्केट शेयर है। इसमें इशू ये है कि दरअसल उनको ट्रांजेक्शन के बगैर मोटी कमाई नहीं हो सकती। तो आप यूं समझें कि दरअसल ये 6 करोड़ छोटे व्यापारियों, उनमें खास करके 3 करोड़ जो किराना व्यवसायी हैं, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने और अमेज़न के मुकाबले में एक बड़ा ई मार्केट प्लेस खड़ा करने का प्लान है, ताकि ट्रांजेक्शन हो सके और उससे कमाई हो सके। अभी रिलायंस जियो हर कस्टमर के पीछे 120 रुपये, जिसको आरपू बोलते हैं, उसकी रेवेन्यू की कमाई होती है। आइडिया ये था कि हिंदुस्तान में हर पॉसिबल चीज़, चाहे ग्रोसरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ज्वेलरी हो, अपैरल हो, वो सब कुछ बेचेगा। इसीलिए बाजार में रिलायंस है मौजूद, लेकिन अभी उसके पास ट्रांजैक्शन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। तो आप कल्पना कर लें कि अगर 3 करोड़ दुकानदार उनके पास हैं और उनसे वो एक छोटी सी फीस लेंगे, सर्विस चार्ज बोलिए, कमीशन बोलिए, तो कितनी मोटी कमाई होगी हर ट्रांजेक्शन के पीछे। व्हाट्सएप यहाँ पर व्हाट्सएप पे लेकर के आया, लेकिन अभी तक उसको परमिशन नहीं मिली है। यहाँ से शायद उसको वो परमिशन भी मिल जाए। तो ये दो नीडी लोगों की एक शानदार जुगलबंदी आप इसको कह सकते हैं। जाहिर है कि बाजार में एक डोमिनेंट प्लेयर आ जाएगा, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही प्लेयर टिका रहे। मैंने अभी वी चैट का जिक्र किया। दरअसल वी चैट क्या है, जिसको हम सुपर ऐप कहते हैं, ये अपने आप में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, अपने कारोबार की ट्रैकिंग कर सकते हैं, कोई ऑर्डर आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं उसकी ट्रैकिंग हो सकती है। इसीलिए पूरा चाइना जो है अपने सारे कामकाज वी चैट के जरिए करता है। भारत में इसका अरमान बहुत लोगों के पास था, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। आप सुनते रहते होंगे कि भारत का अपना गूगल क्यों नहीं है, फेसबुक क्यों नहीं है। तो रिलायंस जियो ने कहा कि हम शुद्ध स्वदेशी कंपनी के रूप में सामने आए हैं, हम करेंगे। लेकिन चाइना का जो कॉम्पिटिशन था, आपको ध्यान होगा कि बाइट डांस का जो टिकटॉक है उसने व्हाट्सएप को पीछे छोड़ दिया। इस प्रकार की चुनौतियों को देखते हुए फेसबुक के लिए और जियो के लिए जरूरी हो गया कि वो हाथ मिलाए। तो अब एक भारतीय कंपनी और एक अमेरिकी कंपनी बाजार में, भारत के बाजार में ग्राहकों की तलाश और होड़ में निकली हुई है। इसमें जो एक बड़ा डायरेक्ट चैलेंज आएगा वो आएगा अमेज़न को, क्योंकि वो अभी हिंदुस्तान में हर तरह की चीज़ें बेचता है, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन वॉलमार्ट और अमेज़न, जो दोनों बड़ी अमेरिकी कंपनियां हैं, इनको वो सुगमता भारत में कारोबार करने में नहीं मिल रही है जो दूसरे प्लेयर्स को यहाँ पर अवेलेबल है। एक बात और ध्यान देने की है, वो ये है कि व्हाट्सएप की इमेज पिछले दिनों भारत में बड़ी विवाद में रही, डिसइंफॉर्मेशन की वजह से रही। और इसके अलावा आपको याद होगा, फ्री बेसिक्स लेकर के जब आए थे तो उसका विरोध सभी लोगों ने किया था। उस वक्त विरोध करने वाले में रिलायंस कंपनी भी शामिल थी। प्लस व्हाट्सएप का लाइसेंस नहीं मिल रहा था। एक और विवाद है कि वो जो इंक्रिप्शन है मोबाइल में उनके किसी भी मैसेज के पीछे, वो जो ताला बंद है उसको खोलने की, इंक्रिप्शन को तोड़ने की परमिशन भारत सरकार मांगती है तो उसको वो नहीं देते हैं। अब इंक्रिप्शन के इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। रेगुलेशन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल और विवाद सामने आएंगे, लेकिन एक जो पक्की बात है वो ये है, नंबरों के तौर पर समझना हो तो भारत का ये सबसे बड़ा FDI है टेक्नोलॉजी के स्पेस में। चाइना ने यहाँ पर जो 92 कंपनियों में निवेश में पैसे डाले हैं वो हैं करीबन $4 बिलियन, और यहां पर अकेले 43,000 करोड़ रुपया लेकर के मार्क जकरबर्ग आए हैं। दोनों प्लेयर, मुकेश भाई हों चाहे मार्क जकरबर्ग हों, दोनों नंबर 1 बनना चाहते हैं, पूरी दुनिया में बनना चाहते हैं, और जिसको कहते हैं कुछ भी कीमत पर कोई भी काम करना, इस प्रकार का जज्बा दोनों कंपनियों में पाया जाता है। इसमें जो एक कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा अब आगे चलते हुए, वो है एयरटेल। वोडाफोन की कहानी और भी उससे ज़्यादा ख़राब है। एयरटेल क्या है, दरअसल यूटिलिटी कंपनी बन करके रह गई है। इसने कोई वैल्यू एडेड सर्विसेज का काम नहीं शुरू किया है। और उधर रिलायंस जियो क्या कर रहा है कि वो यूटिलिटी के आगे अब फुल सर्विस प्रोवाइडर,
विथ वैल्यू एडेड सर्विसेज देने की कोशिश करेगा यहाँ से, तो ये एक मुकाबला अनइवन हो जाएगा और एयरटेल को अपने कस्टमर्स को बचा के रखने में बड़ी दिक्कत होगी। और अभी तक जो जियो के पास नॉन जियो कस्टमर अवेलेबल नहीं थे, सबके हाथ में तो फ़ोन है, व्हाट्सएप है, लेकिन जियो उन तक नहीं पहुँच पाता, जियो अब सीधे उन तक पहुँच पाएगा। ये जियो का दूसरा बड़ा एडवांटेज है, एयरटेल का एक ये बड़ा डिसएडवांटेज है। जहाँ तक डेटा का सवाल है, जाहिर है कि दो बड़े खिलाड़ी मिले हैं तो अब दोनों के पास इफरात डेटा तो होगा होगा, लेकिन अब इसकी सेफ्टी प्राइवेसी वगैरह के भी इश्यूज उठेंगे। जाहिर है कि आने वाले दिनों में हमको इसको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन जहाँ तक इस बड़ी डील का सवाल है उसके दो आंकड़े समझाना चाहता हूँ। रिलायंस कंपनी को मिले हैं 43,000 करोड़ रुपए, यानी कि 10% की हिस्सेदारी उसने बेची है 4.5 लाख की करोड़ के मार्केट कैपिटल वैल्यूएशन पे। उधर फेसबुक ने जो पैसा लगाया है वो उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन का मात्र 1% है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो दो बड़े हाथियों में आपस में डील हो रही है उसमें भी रेशियो किस तरह का है। इसके अलावा और बहुत सारी एक्साइटिंग डिबेट जनरेट होंगी, मोनोपोली डुओपोली की बात होगी, लेकिन अब रियलिटी है कि ये डुओपोली हो चुका है। एक तरफ एयरटेल और दूसरी तरफ जियो, दोनों ने अपना धंधा करने का तरीका बदल लिया है, उधर व्हाट्सएप आ गया है। इधर देखना ये होगा कि अमेज़न, एयरटेल और गूगल अपने को इस नई परिस्थिति में कम्पीट करने के लिए कैसे तैयार करते हैं। रिलायंस जियो के लिए और फेसबुक के लिए जो सबसे बड़ी अब आगे की राह है उसमें ये देखने के लिए है कि इनका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, दोनों सिस्टम्स का इंटीग्रेशन कैसा होगा, और जो डेटा की बात हुई उसकी ओनरशिप, उसकी शेयरिंग और इंक्रिप्शन के इश्यूज़ को आगे चलते हुए ये लोग कैसे एड्रेस करेंगे। लेकिन एक बात तो सही है कि डिजिटल इकोनॉमी में एक जो रुकावट थी जिसमें ट्रांजेक्शन एक बड़ी चीज़ थी, उसमें बड़ी कंपनियाँ संघर्ष कर रही थी, उसको खोलने की, उस संघर्ष को कम करने की ये एक बड़ी शुरुआत है।